हेलो गाइस, कैसे हो? आशा करता हूँ आप सारे लोग अच्छे होंगे। तो मिस्टर विनोद सर इज हियर वेलकमिंग टू यू ऑल ऑन अवर यूट्यूब चैनल वीएस इंग्लिश एकेडमी। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किस प्रकार से जो है हम पास्ट टेंस के अलग अलग प्रकार से यूज कर सकते हैं। जैसे कि इसके पहले वाले वीडियो में हमने डिस्कस किया कि प्रेजेंट टेंस के कितने क्या यूज होते हैं। प्रेजेंट टेंस मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस है, पास्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, उसके साथ साथ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है इनके अलग अलग प्रकार के हम यूज कैसे करते हैं उसके बारे में चर्चा की थी। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो हमारा पास्ट टेंस होता है ठीक उसके भी उन्हीं के जैसे मतलब प्रेजेंट टेंस के जैसे यूजेस होते हैं क्या। हाँ भाई होते हैं, इसलिए तो हमने ये वीडियो के माध्यम से अब सीखने जा रहे हैं। तो देखो विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम लेट्स स्टार्ट अवर टूडेज टॉपिक। सो ध्यान देना मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हमें एक यूज से ज्यादा अलग यूजेस नहीं पता होते हैं टेंसेस के, लेकिन मैं आपके लिए स्पेशली लेके आया हूँ कि कितने अलग अलग प्रकार की तरीके से जो है ना हम टेंसेस की यूज कर सकते हैं। तो देखो हमारा है आज का टॉपिक पास्ट टेंस का यूज। तो सिंपल पास्ट इस टेंस का हम कितने प्रकार से यूज कर सकते हैं। सबसे पहला दिया हुआ है टू इंडिकेट एन एक्शन इज कम्प्लीटेड इन द पास्ट। मतलब कोई अगर क्रिया पास्ट में कम्प्लीट हो गई है तो उसको एक्सप्रेस करने के लिए, वो चीज को बताने के लिए, मतलब कम्प्लीटेड एक्शन को बताने के लिए जो है हम सिंपल पास्ट का यूज करते हैं। कैसे? देखो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, ये हमारा एग्जाम्पल रहेगा ए। जैसे कि मैं कहता हूँ कि मैंने जो है ये वीडियो अपलोड कर दी है, तो फिर मैं क्या हो जाएगा, और सिंपल पास्ट में क्या होता है, मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म लगता है और अन्य कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता है। तो आई अपलोडेड वीडियो ऑन यूट्यूब। आ गया हमारा ये सेंटेंस कि मैंने मेरा वीडियो या फिर मैंने ये टॉपिक से रिलेटेड वीडियो जो है अपलोड कर दिया है यूट्यूब पर। एक्शन जो है ना कुछ समय के पहले कंप्लीट हो चुकी है इन दी पास्ट। मतलब कोई अगर एक्शन इन दी पास्ट कुछ समय के पहले कंप्लीट हो चुकी है तो उस एक्शन को दर्शाने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए, बताने के लिए, लिखने के लिए हम इस टेंस का यूज करते हैं। जैसे कि आई अपलोड, ये हमारा मेन वर्ब है। अपलोडेड मैंने सेकंड फॉर्म ऑफ दी अपलोडेड यूज किया, सॉरी अपलोड का यूज किया, मतलब ये हो गया हमारा सिंपल पास्ट टेंस। सेकंड एग्जाम्पल हम लेते हैं, ठीक है। सेकंड एग्जाम्पल इस प्रकार से लेते हैं, जैसे कि वो लड़की मुझे कल मिली, शी मेट मी yesterday। वो कल मुझे मिली थी, वो लड़की कल मुझे मिली थी, शी मेट मी yesterday। देखो मीट का हमने सेकंड फॉर्म यूज किया है मेट, तो हो गया, ये हो गई हमारे सिंपल पास्ट टेंस की बात। की सिंपल पास्ट टेंस जो है ना इस प्रकार से कम्प्लीटेड एक्शन को दर्शाने के लिए यूज किया जाता है। और भी कुछ यूज होता है कि यस टू इंडिकेट पास्ट हैबिट्स या फिर पास्ट एक्शन को इंडिकेट करने के लिए भी, पास्ट एक्शन नहीं, वो रहेगा हमारा पास्ट हैबिट को इंडिकेट करने के लिए, लिखने के लिए, बताने के लिए भी हम किसका यूज करते हैं, सिंपल पास्ट का यूज करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पे एग्जाम्पल के माध्यम से इसको अच्छी तरह से समझ की कोशिश करते हैं। इसका ये सेकंड यूज रहेगा, किसका, हमारे सिंपल पास्ट का ही ये सेकंड यूज रहेगा, जिसका पहला एग्जाम्पल इस प्रकार से है। देखो शी सॉ ए मूवी, वो मूवी देखती है या फिर देखती थी वंस ए वीक। तो देखो ये क्या है, शी सॉ ए मूवी वंस ए वीक, मतलब हर हफ्ते में जो है ना एक मूवी वो देखा करती थी। इज इट, ये हो गया हमारा सिंपल पास्ट, शी सॉ ए मूवी वंस ए वीक। तो ये पास्ट हैबिट है, पहले के जमाने मतलब पास्ट टेंस में बीती हुई जमाने में वो क्या करती थी, हर हफ्ते जो है एक मूवी वो देखा करती थी। सेकंड एग्जाम्पल यहाँ पे देखते हैं, सेकंड एग्जाम्पल कुछ इसी प्रकार से रहेगा, जैसे कि वी प्रैक्टिस मैथमेटिक्स करते हैं। देखो सेकंड फॉर्म यहाँ पे भी यूज किया, सेकंड फॉर्म यहाँ पे भी यूज किया, इसका मतलब ये पक्के में क्या है हमारा सिंपल पास्ट टेंस ही है, ठीक है। फॉर आवर्स वी प्रैक्टिस मैथमेटिक्स फॉर आवर्स, मतलब कुछ घंटों के लिए हम किसकी प्रैक्टिस करते थे, मैथमेटिक्स की प्रैक्टिस करते थे, मैथ सॉल्व करते थे, मैथ से रिलेटेड जो भी कुछ जुड़ी हुई चीजें उनकी हम प्रैक्टिस करते थे। तो देखो यहाँ पे भी हमने सिंपल पास्ट का यूज किया, यहाँ पे भी हमने सिंपल पास्ट का यूज किया है, लेकिन यहाँ पे क्या है, हमारी जो पास्ट आदतें है, पुराने जमाने की जो आदतें हैं उनको बताने के लिए हमने सिंपल पास्ट का यूज किया है। और इसमें क्या किया, कुछ एक्शन, कुछ क्रिया कुछ समय के पहले कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है, उसको दर्शाने के लिए हमने सिंपल पास्ट का यूज किया है। तो इस प्रकार से जो है ना सिंपल पास्ट का यूज होता है दो अलग अलग तरीके से। क्लियर? चलो
चलो अब देखेंगे हम कि पास्ट कंटिन्यूअस जो है उसके क्या यूज होते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस के पहले हमने बात की है कि सिंपल पास्ट का यूज कहाँ पे होता है, मतलब किस प्रकार से कितने डिफरेंट वेज से जो है ना सिंपल पास्ट का हम यूज करते थे। लेकिन अभी हम बात करेंगे कि पास्ट कंटिन्यूअस का यूज कहाँ पे किया जाता है। अरे कैसे किया जाता है भाई, ये है ना, यहाँ पे मैं बता देता, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। टू डिनोट एन एक्शन गोइंग ऑन इन द पास्ट, मतलब पास्ट में बीते हुए समय में अगर कोई एक्शन चल रही थी, कोई क्रिया चल रही थी, तो उस क्रिया को बताने के लिए हम किसका यूज करते थे या फिर करते हैं पास्ट कंटिन्यूअस। ये बात रहेगी हमारी पास्ट कंटिन्यूअस की, कौन सी रहेगी हमारी पास्ट कंटिन्यूअस इस टेंस की रहेगी। जैसे कि देखो आई वॉज रीडिंग न्यूज पेपर, तो मैं क्या पढ़ रहा था, न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, मतलब मेरी एक्शन जो थी न्यूज़पेपर पढ़ने की जो क्रिया थी पास्ट में वो कैसे चल रही, क्या कर रही थी, चल रही थी, गोइंग ऑन मतलब चल रही थी। तो कोई तो भी एक्शन जो कि पास्ट में चल रही थी उसको एक्सप्रेस करने के लिए, वो चीज बताने के लिए जो ना हम किसका यूज करते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, इस टेंस का प्रयोग करते हैं। सेकंड, प्लेयर्स वर प्लेइंग ऑन द ग्राउंड। तो प्लेयर कहाँ पे खेल रहे थे, इसकी जब बात होती है तो समझ लेना कि वो क्या है, हमारा पास्ट टेंस होता है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, प्लेयर्स वेर प्लेइंग ऑन द ग्राउंड, प्लेयर जो है ना वो ग्राउंड पर खेल रहे थे, मतलब खेलने का जो काम था वो चल रहा था। अब कोई क्रिया चल रही है, ये दिखाने वाला वर्ड कौन सा होता है, जब भी हम मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म यूज करते हैं, मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म मतलब आईएनजी फॉर्म हम यूज करते हैं, तो समझ लेंगे कि कोई क्रिया जो है ना चल रही थी या फिर चल रही है या फिर चलने वाली है, मतलब चलती हुई क्रिया को। व्हेन द एक्शन इज गोइंग ऑन दैट टाइम वी हैव टू यूज फोर्थ फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब, फोर्थ फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब, और टेंस के अनुसार जो है हमें हेल्पिंग वर्ब्स का यूज करना होता है। तो ये दोनों एग्जाम्पल से हमें समझ में आ गया कि पास में जब कोई एक्शन चल रही थी उसको हमने इन दोनों एग्जाम्पल से क्लियर कर दिया, मतलब इस प्रकार से ये हो गया हमारा फर्स्ट यूज ऑफ कंटिन्यूअस टेंस। लेकिन कौन सा, पास कंटिन्यूअस टेंस। अब दूसरा उसका यूज है टू डिनोट कंटिन्यूअस हैबिट इन द पास्ट, मतलब पास्ट में कोई तो भी अगर हैबिट चल रही थी या फिर हैबिट, ठीक है, आदत को बताने के लिए, लेकिन जो पास्ट में थी अभी नहीं या फिर वो भी सकती लेकिन पास्ट में थी, उस आदत को बताने के लिए हम क्या करते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस इस टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पे ही वॉज डिस्टर्बिंग मी, वो क्या कर रहा था, मुझे डिस्टर्ब कर रहा था, ही वॉज डिस्टर्बिंग मी, वो मुझे डिस्टर्ब कर रहा था, ठीक है, ही वॉज, इसमें थोड़ा सा मिसिंग है, इसमें एक वर्ड लिखना जरूरी था, ही वॉज ऑलवेज, उसके हैबिट की बात है ना, ही वॉज ऑलवेज डिस्टर्बिंग मी, वो हमेशा ही मुझे डिस्टर्ब करता था, क्या करता था, वो हमेशा ही मुझे डिस्टर्ब करता था। तो यहाँ पे हैबिट की बात आ गई, क्यों, ऑलवेज, एक आध बार डिस्टर्ब नहीं किया उसने मुझे, बार बार हर बार वो मुझे डिस्टर्ब कर रहा था। तो पास्ट हैबिट को दर्शाने, और कंटिन्यूअस हैबिट है, ऐसा नहीं कि एक बार डिस्टर्ब किया और रुक गया, बिल्कुल नहीं, वो कंटिन्यूअसली जो है जब भी मैं पढ़ाई करता था या फिर कुछ लिखने में पढ़ने बैठता था या फिर यूट्यूब पर अपने चैनल के वीडियो देखने के लिए कोशिश करता था या फिर देखने के लिए बैठता था ताकि ग्रामर अच्छे तरह से उसको क्लियर हो जाए, राइटिंग स्किल उसका क्लियर हो जाए, तब उसका दोस्त जो है वो हमेशा ही उसको क्या करता था, डिस्टर्ब करता था। सेकंड वन, देवर ऑलवेज लिसनिंग सेम सॉन्ग। तो देखो वो हमेशा ही बीते हुए समय में वो हमेशा ही एक ही गाना सुना करते थे, एक ही सेम गाना जो है ना वो सुना करते थे। ये भी हो गई उनकी पास्ट आदतें, कौन सी आदत हो गई है, पास्ट आदतें हो गई है। तो इस प्रकार से पास्ट आदतों को दिखाने के लिए जो है हम किसका यूज करते हैं, हम इसका यूज करते हैं, किसका, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का। देखिए यहाँ पे ऑलवेज हमने यूज किया है, तो ऑलवेज के साथ साथ और कोई वर्ड है क्या जो हम यूज कर सकते हैं इस सेंटेंस में, यस हम यूज कर सकते हैं कंटिन्यूली, ठीक है, कंटिन्यूली, ये भी हमारा कंटिन्यूअसली, ये जो है वर्ड ये भी हम यूज कर सकते हैं इन प्रकार के सेंटेंसेस में, मतलब जहां पे ऑलवेज के जगह पर कंटिन्यूअसली वर्ड आया हुआ है समझ लेंगे कि भाई वो हमारा क्या है, कंटिन्यूअस पास्ट हैबिट को दिखाने के लिए यूज किया हुआ वर्ड है। दैट मीन्स ऑलवेज के जगह पर हम कंटिन्यूअसली या फिर कंटिन्यूअसली की जगह पर हम ऑलवेज का यूज कर सकते हैं। लेकिन
जो स्ट्रक्चर रहेगा ऑफ द सेंटेंस कुछ इसी प्रकार से होना चाहिए। तो ये हो गई बात हमारे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के, और हमने देखा है इस प्रकार से दो अलग अलग यूजेस ऑफ द पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। बढ़ते हैं आगे, क्या यूज होते हैं कुछ इस प्रकार से यूज करेंगे। लेकिन वीडियो को आगे बढ़ाने के पहले और लेक्चर को कंटिन्यू करने के पहले मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आपने हमें हमारे चैनल को जो है ना अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करो, अभी सब्सक्राइब करो। मुझे पता है आप में से बहुत सारे लोगों ने सब्सक्राइब किया है, लेकिन फिर भी भाई आप जो सोफे पर बैठ के देख रहे हो, ग्रामर सीख रहे हो, आपने नहीं किया है, क्यों नहीं किया? चलो जल्दी से जल्दी, पता है ना कितने अच्छी तरह से टॉपिक क्लियर हो रहा है, तो जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियोस को लाइक करो। देखो लाइक करने की वजह से, शेयरिंग करने की वजह से, आपके सब्सक्राइब करने की वजह से हम जो इतनी मेहनत लेते हैं ताकि आपकी शिक्षा में हमारा कुछ कंट्रीब्यूशन हो, आपके एजुकेशन में कुछ ना कुछ हमारे वजह से जो है ना, या फिर इस वीडियो के माध्यम से हम जो टॉपिक क्लियर करते हैं उसका मदद हो, उसका यूज हो, उसका फायदा हो, तो जिसके कारण जो है ना हमें भी लगता है कि आपके तरफ से कुछ तो भी हमें रिटर्न बैक मिलना चाहिए। रिटर्न बैक हम पैसे थोड़ी ना मांग रहे भैया, हम पैसे नहीं मांग रहे, हमारी जो मेहनत है उसका कहीं ना कहीं हमें फल मिले, इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके साथ साथ वीडियो को लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जो है ना, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक जो है ना ये वीडियो को शेयर करो। और हाँ, अगर इस वीडियो में कुछ डाउट्स होते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हो, आपके कमेंट्स को हम शिद्दत से जो है रिस्पेक्ट के साथ रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। उसके अकॉर्डिंग जो है ना, अगर आप चाहते हो कि कोई नए टॉपिक को लेकर वीडियो आपको चाहिए, कोई अगर अन्य टॉपिक में कुछ कंफ्यूजन है, तो उसकी वीडियो भी जल्दी से जल्दी अपलोड की जाएगी। और हाँ, बेल आइकन का दबाना ना भूलना, तो जैसे ही नई कोई टॉपिक से रिलेटेड वीडियो अपलोड की जाएगी उसका नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिल जाएगा आपकी मोबाइल पर घर बैठे बैठे, ताकि फटाक से जो है वो वीडियो आप देख सकोगे और वो भी टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा, जैसे कि ये हो रहा है। चलो चलते हैं और कंटिन्यू करते हैं, देखते हैं कि और पास्ट परफेक्ट टेंस के क्या यूज हो सकते हैं। तो देखो, हमने लिया है पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज जो होता है, इसके लिए होता है कि कोई अगर एक्शन कुछ समय के पहले कंप्लीटेड हो गई है, ठीक है, मतलब एक्शन इज कंप्लीटेड बिफोर टाइम्स दैट एक्शन इज इंडिकेटेड और इज एक्सप्रेस थ्रू द मीडियम ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस। जैसे कि मान के चलो कि मैंने मेरा पेपर जो है ना सोल्व कर लिया था, मतलब पेपर सोल्व करने की जो एक्शन है वो कम्प्लीट हो चुकी थी। तो मैं ऐसे लिखूंगा, I had completed my paper, या फिर I had solved my paper, या फिर I had completed my paper। तो इस प्रकार से नेक्स्ट वन ये हो गया कम्प्लीटेड एक्शन इन दी पास शो करने वाला सेंटेंस। सेकंड वन है शॉपकीपर। पास्ट परफेक्ट टेंस का फॉर्मूला क्या होता है भैया? ये होता है ना भाई, हैड प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो आगे हैड और कंप्लीट का कंप्लीटेड। ठीक उसी प्रकार से हम इस सेंटेंस में भी यूज करेंगे। शॉपकीपर हैड सोल्ड हिज गुड्स, या फिर मटेरियल, या फिर कमोडिटीज। शॉपकीपर हैड सोल्ड, सेल का थर्ड फॉर्म आ गया सोल्ड, हिज गुड्स मतलब शॉपकीपर ने उसका सारा मटेरियल जो है ना बेचा था, मतलब वो बेच चुका था और खाली होकर जो है ना अभी घर निकल रहा था या फिर घर जा रहा था। तो ये दोनों चीजें हो गई क्लियर। चलो आगे चलते हैं, इस कंसेप्ट को भी हम अच्छी तरह से क्लियर करने की कोशिश करते हैं, जैसे कि इसके पहले वाली सारी कंसेप्ट जो है ना क्लियर हो गए, आपके डाउट्स भी क्लियर हो गए। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, देखो दो एक्शन हम करते हैं, ठीक है, दो एक्शन जब हम करते हैं तो कोई तो भी एक्शन पहले करते और बाद में दूसरे एक्शन करते, ऐसा नहीं है कि एट अ टाइम दोनों एक्शन कर रहे हैं, नहीं ना। जैसे कि मैं बात कर रहा हूं तो लिख नहीं रहा हूं, जब लिखता हूं तो शायद मैं बात नहीं कर पाऊंगा, विजिट। तो ऐसे कुछ एक्शंस होते हैं जो एक के बाद दूसरी शुरू हो जाती है, तो दोनों एक्शन को बताना अगर है तो उस समय में जो है ना पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज किया जाता है। कैसे यूज किया जाता है? जो पहले एक्शन रहेगी उसमें हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे, और जो दूसरे एक्शन उसके खत्म होने के बाद स्टार्ट होती है तो उसमें हम यूज करेंगे सिंपल पास्ट का। देखो इस प्रकार से हम यूज करेंगे, यहां पर देखो एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो जाएगा। I had reached, मैंने कहा ना, पहला जो सेंटेंस रहेगा वो रहेगा हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस वाला और दूसरा रहेगा हमारा सिंपल पास्ट वाला। I had reached home, या फिर I had reached home कर रहे थे, कहां पे पूछे? I had reached home when, जब बारिश शुरू हो गई, मैंने कहा ना, तो दूसरा क्लॉज है वो हमारा सिंपल पास्ट में दिया जाता है, हमारा सिंपल पास्ट वहां पे यूज करना होता है। The rain started, जब मैं घर पहुंचा था, मतलब घर पहुंचने की क्रिया पूरी हो गई, तब जाकर जो है ना क्या शुरू हो गई, बारिश शुरू हो गई। तो यहाँ पे हमने यूज किया है सिंपल पास्ट और यहाँ पे हमने यूज किया है पास्ट परफेक्ट टेंस। बट चलो सेकंड एग्जांपल के माध्यम से फिर से समझ लेते हैं। He had completed his class work, इसका मतलब उसके क्लास वर्क, मतलब ही होमवर्क का जो होमवर्क जो दिया हुआ था वो स्टडी उसने पूरी कर ली थी। He had completed his class work when
टीचर, ट्रेन द टीचर। जब टीचर आए, ठीक है, जब टीचर क्लास के अंदर आए तो पता चला कि उसने तो उसका वर्क कंप्लीट कर चुका है या फिर कर लिया है। तो ये देखो यहाँ पे हमने यूज किया है सिंपल पास का, ये केम आ गया और यहाँ पे आ गया हैड कंप्लीटेड, मतलब ये पास परफेक्ट है और ये सिंपल पास है। और यहाँ पे भी हमने देखा हैड रीच, ये हमारा पास परफेक्ट है। तो यहाँ पे स्टार्टेड ये रहेगा हमारा सिंपल पास। सिंपल पास में जो ना वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज किया जाता है और जो पास परफेक्ट होता है यहाँ पे हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज किया जाता है। इज इट क्लियर? तो देखो यहाँ पे पहली जो एक्शन है, आई हैड रीच होम, मेरे घर पहुंचने के बाद बारिश शुरू होगी, मतलब पहली एक्शन कौन सी, घर पहुंचने की, उसके बाद बारिश का शुरू होना, ठीक है। तो पहले एक्शन को हम पास परफेक्ट में इंडिकेट करते हैं या फिर एक्सप्रेस करते हैं, और जो दूसरे एक्शन होती है जो उसके बाद पहले वाली खत्म होने के बाद शुरू होती है उसको हमेशा ही पास सिंपल पास में लिखना होता है। ये तो रूल है, ग्रामर का रूल है भैया, इससे हम बच नहीं सकते, ठीक है। अगर हम पहले में सिंपल पास यूज करते हैं, दूसरे में पास परफेक्ट यूज करते हैं, तो सेंटेंस पूरी तरीके से गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है, ही हैड कम्प्लीटेड हिज क्लास वर्क, पहले उसने क्लास वर्क मतलब दिया हुआ जो वर्क था वो कम्प्लीट किया और उसके बाद जो है ना टीचर आई है। व्हेन द टीचर केम, व्हेन द टीचर केम। तो देखो इस प्रकार से बहुत ही आसान तरीके से हमने इस वीडियो के माध्यम से सीखा है कि कितने अलग अलग प्रकार से हम पास टेंस का यूज करते हैं, सिंपल पास्ट है या फिर पास्ट कंटिन्यूअस या फिर पास्ट परफेक्ट है। देखो इसके बाद जो रहता है हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, सॉरी एक्सटेंडली, उसके कोई अलग यूज नहीं करेंगे, बस वो टेंस के अनुसार जो है ना एक ही बार जो है ना एक ही उसका यूज होता है। इसके पहले भी हमने पहले वीडियो में बात की थी सिंपल प्रेजेंट टेंस की, मतलब प्रेजेंट टेंस की, सिंपल प्रेजेंट के हमने अलग यूज देखे हैं, सिंपल सॉरी प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अलग अलग यूजेस देखे हैं। उसके साथ साथ उसने हमने डिस्कस किया है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के क्या अलग यूज होते हैं, लेकिन हमने ये बात नहीं की थी वहां पे ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस की भी वो कुछ यूजेस होते हैं क्या, बिल्कुल उसके भी नहीं होते, और यहाँ पे हमारे पास परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के भी कोई यूज नहीं होते। तो हमने बात की है आज में इस वीडियो के मध्य में या फिर वीडियो के अंदर में पास्ट टेंसेस के तीन अलग अलग जो सब टाइप्स होते हैं उनके यूजेस के बारे में। आई होप ये वीडियो या फिर टॉपिक जो है ना पूरी तरीके से आपको क्लियर हो गया है, ये कंसेप्ट पूरी तरीके से क्लियर हो गया है, लेकिन फिर भी अगर कुछ डाउट्स होते हैं तो आप हमें कमेंट करना ना भूलना। वंस अगेन रिक्वेस्टिंग यू टू सब्सक्राइब अवर चैनल, लाइक वीडियोज, शेयर वीडियोज एज वेल एज कमेंट्स अस। इज इट क्लियर? तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए अंदाज के साथ, कुछ अलग टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखो एंड थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, सी यू सून।